करते हैं, तो ये क्वेश्चंस तो आया होगा लास्ट पेज पे। एनीवन विल ट्राई टू सॉल्व कि क्या होंगे इनके पहले दूसरे और तीसरे के आंसर्स। आप ही तो बोल रहे हो रिवाइज किया था। हाँ ठीक है ठीक है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। ओके ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, दिस इज द फर्स्ट केस। ओके फाइन गुड, द क्वेश्चन वाज उसका ऑडिबल, द क्वेश्चन वाज कि दोनों स्फीयर्स एक दूसरे से मोमेंटरीली टच थे। आप एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड के पास में लेके आए, एक दोनों कंडक्टर्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब इस तरफ भागेंगे, एक के नहीं दोनों के, क्योंकि दोनों यहां से क्या है कनेक्टेड है, मोमेंटरीली टच। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इस एंड तक इस रॉड का इंफ्लुएंस है, तो ये रॉड सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। तो दिस साइड ऑफ द कंडक्टर ए विल गेट एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट, और ये वाला साइड जो कंडक्टर बी का है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गए इस तरफ, तो दिस साइड विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, नंबर वन। नंबर टू, पूछा गया था कि अगर दोनों स्फीयर्स को उसी कंडीशन के तुरंत बाद सेपरेट कर, इसी कंडीशन के तुरंत बाद, तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपकी रॉड अभी भी कहां है वहीं, आपका कंडक्टर ए इसी तरीके से रहेगा, इस साइड इस पर नेगेटिव चार्जेस लाई करेगी, और आपका कंडक्टर बी इसी तरीके से रहेगा, इस पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज लाई करेगी। अभी पूरे से कंडक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट इसीलिए नहीं हुए चार्ज क्योंकि रॉड का इंफ्लुएंस अभी भी यहां पे है। जब तक ग्लास रॉड को आप रिमूव नहीं करते तब तक पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो अगर आपको पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो केस नंबर थ्री, आप इस रॉड को यहां से क्या कर दो रिमूव। तो पूछना है कि जब आपको यहां तो क्या होगा, तो ऑफकोर्स की बात है कि नेगेटिव चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ए एंड पॉजिटिव चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बी, केस नंबर थ्री। ये तरीका है एक साथ दो न्यूट्रल कंडक्टर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करने का। और तीसरा और कॉम्प्लिकेटेड केस है ये, पहले वाले में अपन ने कंडक्टर को नेगेटिवली चार्ज किया। दूसरा केस जो मैं कह रहा था, जब आप ग्लास रॉड की जगह रबर रॉड लेके आओगे तो कंडक्टर कैसा चार्ज होगा पॉजिटिवली, और अगर दो कंडक्टर जो मोमेंटली कनेक्टेड हैं तो इन स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू और स्टेप नंबर थ्री से क्या कर सकते हो, एक को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हो दूसरे को नेगेटिव। सो क्वेश्चन कैन कम इन एनी वे, कुछ भी पूछ सकता है कि अगर आपको दो कंडक्टर्स हैं, दोनों न्यूट्रल कंडक्टर को एक ग्लास रॉड से चार्ज करना है तो कैसे करोगे ऐसे, तो एक ग्लास रॉड से दोनों कंडक्टर्स चार्ज हो गए अपोजिटली, एक पॉजिटिवली एक नेगेटिव। तो कहने के तरीके बहुत सारे हैं कॉन्सेप्ट से, सेम आप रबर रॉड से भी कर सकते हो, किससे कर सकते हो रबर रॉड, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा रिपेल, तो अब बी वाले कंडक्टर पे कौन सा चार्ज आएगा, ए वाले पे हटा दो रॉड को, तो इस वाले पे पूरे पे नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस वाले पे पूरे पे पॉजिटिव, गॉट इट। सो दिस इज मोर देन सफिशियंट फॉर चार्जिंग बाय इंडक्शन। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ऑन, ये लिखनी है नहीं, ये तो आंसर सब खुद से एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में तीनों आंसर्स लिखे हुए, क्या बेटा हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अच्छे से समझिएगा,
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट। हाँ, आज हवा लग रही है, तक चला ही नहीं रही थी, स्विंग बंद कर दिया था इन लोगों ने वहां पे। ये 6,000 से ज्यादा दे रहे हैं क्या बंद करने वाले? फाइन, सम बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज की हम सबको पता है, जैसे चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नंबर टू। नंबर थ्री, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टेंड टू कैंसल ईच अदर। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज मिलाते हो तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टेंड टू कैंसल ईच अदर। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम सबको पता है। हमें जो तीन मेन प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो ये, नंबर वन एडिटिविटी, नंबर टू कंजर्वेशन, नंबर थ्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्वांटाइजेशन, राइट। ओके, सो नंबर वन एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्या देखना है, एडिटिविटी। ये एक रॉड है, अच्छे से देखिए, इस रॉड पे अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग चार्जेस लाए कर रहे हैं, जैसे कि प्लस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू, राइट। दीज आर दी चार्जेस लाइंग ऑन द रॉड एट द डिफरेंट पोजिशंस। मैं आपसे अगर पूछूं कि इस पूरी रॉड पे नेट चार्ज कितना है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया प्लस टू क्यों है, राइट। दिस इज ओनली द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेट चार्ज लाइंग ऑन एनी कंडक्टर या एनी बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट एट डिफरेंट पोर्शंस ऑन द बॉडी। क्या कहता है एडिटिविटी, कि नेट चार्ज किसी भी बॉडी पे जो लाए करता है वुड बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट पोजिशंस ऑन द बॉडी। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्लास 11 से सबको पता है, एल्जेब्रिक सम मतलब साइन के साथ उसको ऐड करना। तो आप अगर ये ऐड करोगे तो प्लस क्यू, प्लस क्यू, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, फिर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, फिर उसके बाद प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये और ये कैंसिल, क्या बचा, प्लस क्यू। तो नेट चार्ज इस बॉडी पे कितना लाया कर रहा है, प्लस क्यू। दिस इज एडिटिव, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। नंबर टू इज कंजर्वेशन, कौन सी है दूसरी प्रॉपर्टी? ओके, फॉरगेट अबाउट द चार्ज। किसी भी चीज का कंजर्वेशन पढ़ते हो, जैसे मास का पढ़ा होगा, एनर्जी का पढ़ा होगा, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या बोलते हैं अपन? एक्सीलेंट, सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फलाना, फलाना कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फलाना कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू, सेम एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन एनी सिस्टम इज कंजर्व, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू। अब ये जो पूरा का पूरा कंजर्वेशन लॉ है, ये आप एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए पढ़ते हो, दिस वन आइसोलेटेड सिस्टम हैज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, समझिएगा। आपने ग्लास रॉड ली और सिल्क क्लॉथ लिया, इनिशियली ग्लास रॉड कैसी थी, न्यूट्रल, सिल्क क्लॉथ भी कैसा था, न्यूट्रल। नेट चार्ज अगर दोनों का ऐड करो तो कितना था, जीरो था, ठीक है। आपने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रफ किया, ग्लास रॉड के पास चार्ज आया प्लस सी, सिल्क क्लॉथ के पास चार्ज आया माइनस सी।
इसके बाद फिर से दोनों को ऐड करो तो नेट चार्ज कितना मिलेगा? इट मींस द चार्ज इज कंजर्व, इट कैन ओनली ट्रांसफर. तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ कहां से? कहा ग्लास रॉड से सिल्क रॉड. ये एग्जांपल. बट ये जो आपने सिस्टम लिया है पूरा का पूरा ग्लास रॉड और सिल्क रॉड का, ये आइसोलेटेड सिस्टम है. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है इस सिस्टम में आप ऐसा कोई भी मैटर ऐड नहीं कर रहे हो जिसके पास कोई चार्ज हो. मतलब इस पूरे के पूरे सिस्टम को आप एक्सटर्नल इंफ्लुएंस के बाहर रख रहे हो. इसमें कोई भी एक्सटर्नल इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए. यहां एक्सटर्नल इंफ्लुएंस का मतलब है इसमें कोई ऐसा मैटर ऐड नहीं करना है जिसके पास एक्सेस चार्ज है, अदरवाइज फिर चार्ज बढ़ जाएगा, फिर चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा. Right? So this whole law of conservation of charge is applicable on the isolated systems. The systems must be isolated. Conservation. इसके बहुत सारे modern physics के example हैं, जो आपको अभी जो के तो याद कर लेने हैं, but जैसे अगर nuclear physics पढ़ेंगे, तो वो सारे के सारे examples आपको वहां देखने मिलेंगे. जैसे कि example number one. ये आप ऑलरेडी मैं 11th में दिखा चुका हूं बच्चों को. देखो यूरेनियम 238 92. जब इस यूरेनियम का न्यूक्लियर फिजन होता है, क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन. किसमें टूटता है ये? थोरियम 234 90 प्लस साथ में देता है अल्फा पार्टिकल हीलियम 2. न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टार्टिंग है ये. मतलब कि जो आपका यूरेनियम का न्यूक्लियर था वो लेस स्टेबल था. जो आप ये एटॉमिक बॉम्ब्स है न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हो उसमें यूरेनियम यूज होता है. यूरेनियम का न्यूक्लियर इज लेस स्टेबल. आप थोड़ा सा छेड़खानी करो उसके बाद इसमें होता है डीके. मतलब ये यूरेनियम का न्यूक्लियर क्या होता है? टूटता है. किसमें? थोरियम. साथ में निकलता है अल्फा पार्टिकल. ये हीलियम के पार्टिकल को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल. और साथ में प्रोड्यूस होती है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड इन द डिस्ट्रॉयमेंट. जो डिस्ट्रॉइंग में यूज होती है ना एनर्जी, बॉम्ब फटता है, यही है. दिस इज न्यूक्लियर फिजन. अब ये एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कैसे है? आपको इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है. एज एन एग्जाम्पल यूज करो. डीप में न्यूक्लियर फिजिक्स में चले कैसे? स्टार्टिंग में चार्ज कितना था? 90. कितना था चार्ज? 90. न्यूक्लियर फिजन हुआ, दो भागों में टूटा, अभी भी चार्ज कितना है? 90 प्लस 2. तो बिफोर प्रोसेस चार्ज सेम, आफ्टर प्रोसेस चार्ज सेम. इट मींस द नेट चार्ज इज कंजर्व. चार्ज क्या है? कंजर्व. अनदर एग्जाम्पल देखो, गामा पार्टिकल. अगेन मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स. जब भी किसी मैटर से रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है. किसमें टूट जाता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन. आदित्य नेमा है? नहीं है. ओके, उसी का डाउट है. जब भी गामा पार्टिकल किसमें टूटता है या किसी भी मैटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या हो जाता है? ब्रेक. राइट. अब गामा पार्टिकल इज ए न्यूट्रल पार्टिकल. मतलब गामा पार्टिकल के पास चार्ज कितना है? जीरो. गामा पार्टिकल कैसा होता है? न्यूट्रल. आपको ये सब नहीं पता, मैं नहीं कह रहा हूं आपको पता है, बट जस्ट सुन लीजिए. गामा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है? इट इज न्यूट्रल इन नेचर. जैसे इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, गामा पार्टिकल के पास जीरो, न्यूट्रल. तो बिफोर प्रोसेस चार्ज जीरो है, आफ्टर प्रोसेस देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जीरो. इस प्रोसेस को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन. क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन. इसकी जस्ट उल्टी प्रोसेस है एनिहिलेशन. एनिहिलेशन इसका मतलब है कि आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन रिएक्ट होके क्या बनाएंगे? गामा पार्टिकल्स. फिर से यहां पे चार्ज जीरो
और गामा पार्टिकल दो बने के चार बने के दस बने, कितने भी बने, नेट चार्ज कितना है? जीरो, क्योंकि गामा पार्टिकल इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, राइट। तो ये दोनों एग्जाम्पल, गामा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूटता है, जिसको आप कहते हो पेयर प्रोडक्शन, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर गामा पार्टिकल्स बनाते हैं, जिसको आप कहते हो क्या, एनिहिलेशन, राइट। सो थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहला यूरेनियम का डीके, न्यूक्लियर फिजन, उसके बाद दूसरा पेयर प्रोडक्शन, गामा पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूटना, और नंबर थ्री एनिहिलेशन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मिलके गामा पार्टिकल बना। आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ, गॉट इट? पहले ये तो लिख ले कि पहले क्वांटाइजेशन पे चले, लिख लो। हाँ, यूरेनियम रॉक्स में मिलता है, ओर्स में मिलता है, यूरेनियम की ओर्स दूरी जा रही है, गुजरात में मिली है बहुत सारी, अमेरिका के पास बहुत ज्यादा यूरेनियम और सोडियम का भंडार मिला है, जिससे वो शेल गैस निकाल रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उनसे आने वाला जो पेट्रोल है वो कम होता जा रहा है, बिकॉज शेल गैस प्रोडक्शन इज ए न्यू टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका के पास प्रोसेस है कि शेल गैस से क्या पेट्रोलियम बना रहे हैं, अब वो चीज गल्फ कंट्रीज को खा रही है। सो यूरेनियम की क्या होती है, ओर्स होती है, जहां पर यूरेनियम मिलता है, थोरियम की भी ओर्स होती है। कोई भी मेटल है, मेटल ओर्स में ही तो मिलते हैं, कोई भी निकाल लो। कौन सा वाला, ऊपर वाला, कुछ नहीं, देखो ये यूरेनियम है, एक मेटल है, मान लो एक एलिमेंट। जब इस यूरेनियम का न्यूक्लियस डीके होता है, मतलब टूटता है, फिशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, तो 238 वाला या 92 एटॉमिक नंबर वाला केमिस्ट्री में जब टूटता है तो क्या देता है, एक 90 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट देता है, साथ में एक 2 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट देता है। मतलब जब आपका यूरेनियम डीके हुआ तो आपको क्या मिला, थोरियम प्लस अल्फा पार्टिकल, और साथ में निकली ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दिस इज अ रिएक्शन। अब इसमें हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चेक करना है, तो आप देखो 92 इज द चार्ज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कैन से, यहां पे देखो 90 प्लस 2 92, प्रोसेस के पहले चार्ज जितना था, प्रोसेस के बाद भी उतना, इट मींस चार्ज इज एडिटिविटी। अरे अभी क्लास खत्म होने के बाद 6:15 बजे कौन सा जादू दिखा रहा तुम? दो मिनट का दिखाते हो, कितना टाइम लगेगा तुम्हारे लिए? 5-30 में, 2-3 मिनट लगेंगे। तो 6 बजे आ जाओ, क्लास खत्म होती कर देगी, तुम कल चले गए फिर आए नहीं, तुमसे कहा 6:30 पे आना, कल 6:30 पे आना, 6:50, मतलब अभी से आधा आधा पौन घंटे बाद, ठीक है? अरे आ जाए यार, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, अभी दिखा रहे थे आ रहा, अभी थोड़ी देर बाद। टोटल चार्ज ऑन द एक्सटेंडेड बॉडी, टोटल चार्ज ऑन द एक्सटेंडेड बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिफरेंट चार्ज ऑफ द डिफरेंट चार्जेस
charges present at different locations, present at different locations in the same body, in the same body. एग्जाम्पल के तौर पे वही रॉड बना लो जो बनाई थी, इसके ऊपर चार्जेस बना लो, और नीचे लिखना नेट चार्ज इज इक्वल्स conservation of charge. Number two, conservation of charge. देखिए, the net charge हम बोल रहे वहां क्या, अच्छा यही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. The net charge in an isolated system remains constant. I dot E, that means it can neither be created, it can neither be created nor be destroyed, nor be destroyed. First off, it can only transfer from one body to another. It can only transfer from one body to another. First off, line change, quote unquote likhiye. This law is universal. This law is universal. Full stop. Quote unquote close. Jaise ki law of conservation of mass universal nahi hai. Usme glitch hai. Kya glitch hai? Koi batayega? मास एनर्जी इक्विवेलेंस, वेरी गुड. कंजर्वेशन ऑफ मास का ग्लिच के मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मतलब मास सिर्फ जब तक कंजर्व है जब तक वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव ना करे. जैसे ही आपका मास स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना चालू करेगा, दैट मास विल बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी. E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. आइंस्टीन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस. तो मास कंजर्व तो है, बट कब तक? जब तक वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव ना करने लगे. तो कंजर्वेशन ऑफ मास में ग्लिच आ जाता है. बाद में अपन क्या करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी चेंज हो जाता है. वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मास एनर्जी. तो अब कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है, मास एनर्जी है. मतलब मास और एनर्जी साथ में कंजर्व है, बट
चार्ज, चाहे स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, उससे अगर कोई कर नहीं सकते, किसी भी स्पीड से मूव करे, चार्ज हमेशा क्या है, कंजर्व, राइट। इसका मतलब है कि दिस लॉ इज यूनिवर्सल। लाइन चेंज एग्जांपल नंबर वन, ये लिखा, इतने ये सब नॉटन, ये वाला एग्जांपल लिखो पहले, देखिए एग्जाम्पल नंबर टू का नाम लिखिएगा पेयर प्रोडक्शन, क्या ये पेयर प्रोडक्शन। एग्जाम्पल नंबर थ्री का नाम क्या है, एनिहिलेशन। कहां से नहीं, वो मतलब फिजन का मतलब वही होता है, न्यूक्लियस टूट जाते हैं। यूरेनियम का न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस बनाता है, एक थोरियम के न्यूक्लियस बनाता है, दूसरा अल्फा पार्टिकल। देखेंगे रेडियो एक्टिविटी में, हट गया वैसे कोर्स से, बट पढ़ेंगे अपन। क्या कह रहे हो एनिहिलेशन में, वो तो प्रोसेस है यहाँ पे, मतलब अरे बैलेंस कर देना इक्वेशन को, टू टू लगा के तो हो जाएगा, तो और भी बन सकते नहीं, उसमें तो एक, उसमें अपन ने गामा पार्टिकल पहले लिया है, उसको रिएक्ट कराया, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेंगे, मान लो दो दो भी बनेंगे तो भी कैंसिल होकर चार्ज तो जीरो हो जाएगा। नोट, बातें कम करो, हाथ ज्यादा चलो। एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन, नोट। नोट में आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब लिख लो, नोट आइसोलेटेड सिस्टम मींस दैट, क्या हो गया देखो उसको, आइसोलेटेड सिस्टम मींस अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ, अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ
चार्ज्ड मैटर इज कंटेन्ड इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्पेस First off, no charged matter, is either allowed to enter or leave this volume. First off, bracket में लिख लो, free from external influence. Very close. Number three is quantization. This is the most important. किसी को पता है इस वर्ड का मीनिंग? क्वांटाइज्ड कभी सुना हो? हाँ, फॉर्म में. ओके, वेरी गुड. और कोई? क्वांटा, फोटोन. हाँ, गुड. फोटोन के फॉर्म में सुना होगा क्वांटा. वेरी गुड. हाँ, वेदांत. उसकी लिमिट सेट करना. ओके, क्या कह रहा है? ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं आया अभी. अच्छा, पैकेट्स ऑफ, वेरी गुड 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 पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ओके, गुड. यही है क्वांटा. क्वांटा या क्वांटाइजेशन का मतलब है चार्ज को आप ग्रेनी नेचर के फॉर्म में ले रहे हो. गेहूं देखा है? गेहूं को आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो कि कौन है. गेहूं को आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, राइट? सिमिलरली चार्ज इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड. यू कैन काउंट द चार्जेस. काउंट कर चार्जेस का मतलब है चार्जेस गेहूं के फॉर्म में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर आपको चार्ज को क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी देनी है तो वो कैसे देंगे? वो प्रॉपर्टी बताती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. कहती है कि क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, सुनना अच्छे से, एनी बॉडी हैज अ चार्ज दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज. क्या कहा क्वांटाइजेशन ने? कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा टोटल, वो कितना होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज. एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन वन फोटोन और वन इलेक्ट्रॉन. मतलब हेयर ई इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. तो अगर आपको चार्ज को क्वांटाइज करना है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. डैश डैश डैश. अब किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा? या तो Q होगा कितना? प्लस माइनस ई, या फिर होगा प्लस माइनस 2E, या फिर होगा प्लस माइनस 3E. डैश डैश डैश. अब आप चार्ज को कैसे नेचर दे रहे हो? ग्रेनी. यू कैन काउंट द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री चार्ज. आपकी बॉडी के पास कितना चार्ज है? आपका 1 ही है या 2 ही है या 3 ही है.
तो आप चार्ज को कैसा नेचर दे रहे हो? मैथमेटिकली इंटीग्रल नेचर दे रहे हो, क्वांटाइज कर रहे हो उसको, आप न्यूमेरिकल इंटीग्रल वैल्यू दे रहे हो। आपकी बॉडी पे कभी भी चार्ज 1.5 नहीं हो सकता, समझ रहे हो? कितना होगा? या तो 1e होगा, या 2e होगा, या 3e होगा, या -1e, -2e, -3। सो क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी बॉडी हैज अ चार्ज विच इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब चार्ज ऑन वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन। आपने चार्ज को कैसा नेचर दे दिया? ग्रेनी। कैसा नेचर दे दिया आपने चार्ज को? इंटीग्रल। आपका चार्ज अब मैथमेटिकली 1, 2, 3 के फॉर्म में क्या होने लगा? काउंट। दिस इज क्वांटाइजेशन। नाउ देयर इज अगेन एन एक्सेप्शन। ये जो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉसिबल है। योर चार्ज इज क्वांटाइज्ड एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप 10 और 1000 को काउंट कर सकते हो। अगर पूरी एक्सटेंडेड बॉडी लोगे, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा वायर ले लिया 1 मीटर का, अब इसमें जो चार्ज है वो ये लो, यू कांट काउंट। इसको कहते हैं जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है वहां चार्ज क्वांटाइज नहीं होता। यहां पे चार्ज का कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहां पे अपन चार्ज निकालना हो पूरी रॉड पे, जिसकी लेंथ 0 से लेके L है, तो आप सबको पता है कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करके। कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट कर। Here we will use the integration। ये बात की बात, इसको अपन बाद में समझे। फिलहाल के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वांटाइजेशन। हमारा चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड। आई कैन काउंट द चार्जेस ऑन द बॉडी माइक्रोस्कोपिक। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, बहुत अच्छे से सुनना और बहुत अच्छे से आंसर देना, व्हाई द चार्ज इज क्वांटाइज्ड? चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों है? चार्ज नंबर्स के फॉर्म में क्यों? डेसिमल्स या पॉइंट्स के फॉर्म में क्यों नहीं? वेरी गुड। हाँ, चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, गुड, वेरी गुड। क्या हुआ? बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली अच्छा आंसर दिया, मतलब आई वॉज नॉट होपिंग। ओके गुड। चार्जेस क्वांटाइज इसलिए है क्योंकि चार्जेस क्यों है? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते देखा गया? या 1.7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हो? नहीं। या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या एक्सेट्रा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नंबर्स में हो रहा है, तो चार्जेस भी किसमें होंगे? नंबर्स में। सो दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन नंबर्स, सो दैट्स व्हाई योर चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। गॉट एनी डाउट? लिखे। अच्छा हो यार, अभी क्वांटाइजेशन, बिकॉज इट आई डोंट नो वाई दे टेक, बट ठीक है ले लिया। इंटीग्रल मैथ्स नहीं यूज होता, यहां क्वांटाइजेशन यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू क्वांटम फिजिक्स। That's why. Quantum is a word. अपन को भारी भरकम लग रहा है क्योंकि अपन ने पहली बार पढ़ा। एडिटिव और इसमें डिफरेंस क्या है? ओके, अ गुड क्वेश्चन। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटिविटी एंड क्वांटाइजेशन? एडिटिविटी और क्वांटाइजेशन में डिफरेंस क्या है? और क्वांटाइजेशन में बेटा एडिटिविटी ये बताता है कि नेट चार्ज बॉडी पे कितना है। क्वांटाइजेशन ये नहीं बताता कि नेट चार्ज कितना है। क्वांटाइजेशन बताता है कि जो नेट चार्ज है वो नंबर्स में। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रल फॉर्म।
तो एडिटिविटी टोटल चार्ज बता रहा है और क्वांटाइजेशन बता रहा है कि वो टोटल चार्ज कैसा है क्वांटा के फॉर्म में, मतलब क्वांटाइजेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इन डिस्क्रीट पैकेट्स, इन डिस्क्रीट DISCRETE डिस्क्रीट पैकेट्स रेदर एज कॉन्टिन्यूअस अमाउंट, रेदर एज कॉन्टिन्यूअस अमाउंट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। फर्स्ट ऑफ लाइन चेंज पैरा चेंज कोट एंड कोट लिखिए डबल कोट के अंदर, क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी बॉडी हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ the basic or elementary charge, which is an integral multiple of basic or elementary charge. Full stop. Line change. Q is equals to plus minus any bracket. Where n is equals to 1, 2, 3, 4, dash, dash, dash. अभी से बता दे रहा हूं, वी विल बी कंप्लीटेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप टू 14, यू विल हैव अ टेस्ट ऑन 16, राइट? हैविंग 50% एमसीक्यू एंड 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, बिकॉज वी डोंट नो द पैटर्न, राइट? सो यू विल हैव अ 15 एमसीक्यूज प्लस 9 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, where n is equals to 1, 2, 3, 4, dash, dash, dash. इसके नीचे e is equals to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, and q is equals to net charge on the body. यहां लगा दिए माइनस प्लस तो जरूरत नहीं, विजिबल के जोर पड़ रहा है आपको, लाइट चालू करवा दो दिवांश आधे क्या रुक जा रुक जा दिवांश, ये वाली कर दो छोटी वाली सब, ए नहीं होगी वो ही वाली, कर दो वही कर दो। क्या हो गया? हाँ ठीक,
क्या पढ़ा रहे थे? अच्छा, Q इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द बॉडी. ओके, देखिए नोट, दिस प्रॉपर्टी कैन ओनली वर्क एट माइक्रोस्कोपिक लेवल बिकॉज चार्जेस. अच्छा, दिस प्रॉपर्टी कैन ओनली वर्क एट माइक्रोस्कोपिक लेवल बिकॉज चार्जेस आर इन स्मॉल अमाउंट. बिकॉज चार्जेस आर इन स्मॉल अमाउंट. फर्स्ट ऑफ, बट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल चार्जेस आर लार्ज. Cannot be counted. Charges are large and cannot be counted. First of, cause, कारण क्या है? लिखिए cause. Cause. हाँ, note के बाहर डाल लो. Cause. Electrons only transfer in numbers. Electrons, cos के अंदर लिखना है. Electrons only transfer in numbers. That's why charges needs to be quantized. That's why charges needs to be quantized. Here comes the numerical of, sorry, first numerical of class 12. Example number 1. Likhiye. A polythene piece. सबसे बढ़िया एग्जांपल, अ पॉलिथिन पीस इज रब्ड विथ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन, अ पॉलिथिन पीस इज रब्ड विथ वूल एंड एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज. And acquires a negative charge of 3 into 10 power minus 7 coulomb. ये लिखा. Acquires a negative charge of 3 into 10 power minus 7 coulomb. Full stop. Number 1. How many electrons have transferred? How many electrons have transferred from wool to polythene? Transferred from wool to polythene. Number 2. Is there a transfer of mass? Number 2. Is there a transfer of mass from wool to polythene? Full stop. If yes, how much? Full stop. If yes,
हाउ मच. चलिए शुरू हो जाइए. आ रहे तो क्या करें, कब करना है? इसके बाद दो और करने हैं, अभी करो जल्दी. छह कुएं सवा छह के पहले नहीं छोड़ूंगा. पढ़ो सवा देखा फॉर्म. अरे अरे डिस्कस नहीं, सॉल्व. अच्छा खिड़की आप खोल लो तो सफोकेशन कम हो जाएगा. धूप तो नहीं आ रही? खोल लो, वो भी खोल लो. ऐसे खोल लो, खुल जाएगी. शिवानी बोल भी खोल. हाँ बस धूप लग रही है तो बंद कर. आ गया कितना है? 9.1 × 10⁻³. हाँ -31. ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. पक्ष कितना है? वेरी गुड वेरी गुड. चलेगा चलेगा, 1.2 चलेगा. 1.875 × 10⁻½ और 1.2 × 10⁻½, राइट. अगर एक आठ पॉइंट इधर उधर कर रहे हो और 10⁻³० आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा. हाँ ठीक है चलेगा. तो 1.2 नहीं चलेगा. अच्छा सीधा टू कर. देखो हम बता दें, आप जब भी आंसर निकालोगे डेसिमल प्लेसेस पे तो वो हमेशा आप एक डेसिमल प्लेस पे निकालोगे. ध्यान रखो जितने भी न्यूमेरिकल्स क्लास 12th में आएंगे सारे के सारे आंसर्स एक डेसिमल प्लेस पे जाएंगे. उसके बाद जो पावर आएगी दैट वुड बी सफिशियंट. कैसे आया ये देखो, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी. पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए कहां से? वूल से. ठीक, कितना चार्ज आया? कितना का वो 3.3 कितना? 3 × 10⁻¹ Q की वैल्यू दी है. इजिकोस आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे. अरे ये जो n है ये इंटीग्रल वैल्यू बताता है ना, तो इंटीग्रल वैल्यू भी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो n इज डिनोटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. E की वैल्यू ऑलरेडी आपको बताया है 1.6 × 10⁻¹⁹. तो इससे डिवाइड कर दो E का 1.6 × 10⁻¹⁹ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? N. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से सॉल्व करके आ गए. देखो ये जो वैल्यू है ये डेसिमल में नहीं है, आपको दिख रही है लेकिन है नहीं. जब आप ये 10⁻¹² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने सारे जीरोस आगे लग जाएंगे. तो ये डेसिमल में है नहीं, लिखी गई है. इसका मतलब n इज अ इंटीग्रल नंबर, राइट. ये जब 10⁻¹² का मल्टीप्लाई करोगे तो आगे जीरोस लगेंगे ना, तो n की वैल्यू डेसिमल में है क्या? नहीं. तो पहली चीज तो शो हो. नंबर टू मास. इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹. टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन? 1.706 × 10⁻²⁷ केजी और समथिंग. 19 में तो नहीं आएगा.
माइनस 19 में आ रहा है। हाँ ठीक है, माइनस 18 माइनस 19 के आसपास आ रहा है तो ठीक है, वेरी गुड, ये सबसे बढ़िया। 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 18 के जी, माइनस 18 के जी। 31 और 12 को सॉल्व करोगे तो 19 के आसपास पहुंचोगे, और फिर एक डिजिट यहां से भी तो करोगे काउंट, सो 1.7 पे आओगे तो पावर माइनस 18 की आ जाएगी। अगर यहां माइनस 19 वगैरह की भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे सुनो, आपको बता करना है कि गोल से पॉलिथिन पे कितना मास ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, इतने। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 के जी, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक का मास ये है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मास आ जाएगा। इसके बाद तो मैथमेटिक्स है दूर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अ लिक्विड ड्रॉप ओरली सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद भी गलत करोगे गारंटेड। अ लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, अ लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप। बताओ, हाँ 3.2 कितना इंटू, हाँ निकाल लो निकाल निकाल लो निकाल, हाँ इंटू 10 पावर माइनस 18, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, सबका यही आ रहा है 3.3, मतलब आंसर माइनस 20 आ रहा, सीधा माइनस 20, सबका आंसर यही आ रहा कि 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 18, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 18, गलत, द आंसर इज माइनस 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 18। But I am saying you that the question is asking about the charge. उसमें लिखा क्या? अरे वाह, उसमें लिखा है क्या magnitude of charge? I'm not resisting you. बाकी सबने गलत बोला। Charge का मतलब है sign के साथ। 20 excess electrons है तो कैसा charge होगा? Negative. तो minus 3.2 into 10 power minus 80. कैसे निकाला? ऐसे. Q is equals to N E. N कितना दिया 20, E कितना दिया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस, इलेक्ट्रॉन का है तो क्या आएगा माइनस 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 18 माइनस, पुल अप। लास्ट एक और, होमवर्क में लिख लो, कैन क्वेश्चन, कैन अ बॉडी, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम, क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई योर आंसर। Can a body have a charge of 2.8 into 10 power minus 18 coulomb? Question mark. Justify your answer.
ऑडिबल पार्क माधवी।